वहरी पुलिस मेडिकल संचालक पत्नी और बेटी को 8 बदमाशों ने पीटा, घटना सीसीटीवी में कैद, फिर भी पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। शिवपुरी अपने अजब गजब कारनामों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली शिवपुरी जिले की पुलिस इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां बौंती थाना पुलिस गैंगरेप पीड़िता नाबालिग छात्रा को मेडिकल नहीं करने की सलाह देकर सुर्खियों में है। तो वहीं कोलारस थाना पुलिस प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर हुई एक मेडिकल संचालक, उसकी पत्नी और बेटी की मारपीट को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल बीते दिनों कोलारस कस्बे में मेडिकल की दुकान का संचालन करने वाले अनिल कुशवाहा, उसकी पत्नी शारदा और नाबालिग बेटी मनु कुशवाहा की 8 बदमाशों ने दिन दहाड़े मेडिकल में घुसकर मारपीट की। बदमाशों द्वारा मेडिकल में घुसकर की गई मारपीट की ये सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस ने इस मामले में पीड़ित मेडिकल संचालक अनिल कुशवाहा की रिपोर्ट पर से केवल 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित ने बताया कि जबकि सीसीटीवी में स्पष्ट तौर पर मारपीट करने वालों की संख्या 8 नजर आ रही है, उसके बाद भी पुलिस ने केवल 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस की इस मनमानी पूर्ण कार्यवाही से परेशान पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर एसपी से की है। देखिए शिवपुरी से ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। अनिल कुशवाहा, कहाँ से आयो? कोलारस से। कोलारस से आयो, आज एसपी साहब के पास आयो कि कुछ समस्या को लेकर आयो? एक झगड़ा हुआ था, कुछ 8 लोगों ने मेरी मारपीट की थी 1 महीने पहले। मैंने कोलारस थाने में शिकायत की थी। कोलारस में सिर्फ 2 लोगों का नाम लिखा था FIR, बाकी जो मुरैना के 6-7 लोग थे उनका नाम जानबूझकर पुलिस ने नहीं लिखा था। क्यों हुई थी मारपीट, क्यों हुई थी, कुछ कारण क्या है? मकान का विवाद चल रहा है, उस विवाद को लेकर वहाँ से मुरैना से गुंडे आए थे। कैसा विवाद था मकान का? मकान का विवाद न्यायालय में चल रहा है, उसी विवाद को लेकर के मेरे चाचा का लड़का संजय और संदीप और मनीष, बाकी 4-5 अन्य थे, इन्होंने मेरे दुकान में घुसकर मेरी मारपीट की है, मेरी पत्नी की मारपीट की, मेरी बच्ची की मारपीट की। सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद है। सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद है? हाँ जी। आप दे सकते हो हमें? हाँ बिल्कुल दे सकते हो। तो आपने नजदीकी थाना में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी? हाँ, दर्ज कराई थी, लेकिन जानबूझकर पुलिस ने सिर्फ 2 लोगों का नाम लिखे थे, वो भी जिला शिवपुरी के। जिला शिवपुरी, जिला मुरैना के जो 4-5 लोग थे उनके जानबूझकर नाम नहीं लिखे थे। ठीक है।